नमस्कार एवरीवन, मैं दीक्षा कुमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी एग्ज़ाम 12 सितंबर को होने वाला है। अभी हमारे पास लगभग 20 दिन का समय बच रहा है, तो इस 20 दिनों में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना चाहिए, इस स्ट्रेटजी को मैं आज डिस्कस करूँगी। ओके, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे बीच में 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट कैटेगरी, तो जिनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और उनका तैयारी कंप्लीट है, ठीक है। दूसरे वे होंगे जिनका अभी उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट नहीं है, उन्होंने पढ़ा तो है बट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तीसरा उन कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम डिक्लेयर होने के बाद पढ़ाई करना शुरू किया है और उनका भी उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनका सारा सिलेबस कंप्लीट है। उनको क्या करना है कि अब बस रिवीजन करना है, और रिवीजन भी कैसे करना है, सिलेबस को सामने रख लेना है, सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज रिवाइज करते जाइए और आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक है। मैं बाकी 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट के बारे में बात करूँगी। तो उनको क्या करना है, सिलेबस को अपने सामने रख लेना है। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से में आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंटेड फॉर्म में आप सिलेबस रख लीजिए, या फिर आप, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सिलेबस को लिख लीजिए, ठीक है। तो सिलेबस आप लिख लें और उसके बाद आप उसमें मार्क्स वाइज कितना क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया हुआ है सिलेबस में कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स का क्वेश्चन या इतना क्वेश्चन आ रहा है, तो आप प्रॉपर उसी तरह से लिख लीजिए। तो आप पहले सिलेबस रिसर्च करके आप सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू सिलेबस का भी डिस्कस करूँगी ज़रूर, ठीक है। तो करना क्या है, सिलेबस से आप लोग टॉपिक देखिए कि कौन सा टॉपिक मेरा अभी कवर्ड नहीं है, किस टॉपिक से मैंने पढ़ाई नहीं किया है, तो उस टॉपिक को उठाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ तो इंडियन पॉलिटी से आपका 3 कैटेगरीज के टॉपिक है। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे 4 क्वेश्चंस आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन, और पंचायत और पंचायती राज से, म्यूनिसिपल्टी से 2 क्वेश्चन। तो मैं क्या करूँगी, पहले इन तीनों टॉपिक में से मैंने चूज़ किया कि मैंने पंचायती राज वाले टॉपिक को कवर नहीं किया है, और ये आसान भी है जिसको कि मैं जल्दी कवर कर सकती हूँ, तो मैं उस टॉपिक को उठाऊँगी। और एक समय का टारगेट होगा कि 2 घंटा या 3 घंटा, इतने समय में मैं इस पूरे टॉपिक को कवर कर जाऊँगी, ठीक है। टॉपिक मेरा जब कवर्ड हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो उससे ऑब्जेक्टिव भी लगा लेना सही रहेगा। टॉपिक कवर होने के बाद सिलेबस में जा कर के मैं टिक लगा दूंगी कि हाँ, यह जो टॉपिक है मेरा यह कवर्ड है, इतने मार्क्स का मेरा टेंशन ख़त्म हो गया, यह मेरा कंप्लीट हो गया। उसी तरह फिर नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट आपका जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन, और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चंस। तो मैं देख रही हूँ कि एग्रीकल्चर मेरा उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, और ये कम समय में कंप्लीट भी हो सकता है, तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को उठाऊँगी। उसका सारा जो भी डिटेल स्टडी
करेंगे, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में आने का संभावना है, मैं सारा कुछ उस टॉपिक से पढ़ाई करके कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिलेबस में टॉपिक वाइज जो है वो मैं टॉपिक वाइज मैं सेलेक्ट कर करके पढ़ूंगी, टारगेट बना बना करके कंप्लीट करेंगे और सिलेबस में टिक लगा देंगे, ठीक है। और मेरा तो यही कोशिश रहेगा कि मैं आसान से हार्ड वाले टॉपिक पे जाऊँ, आसान वाले को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ, फिर हार्ड वाले टॉपिक को टच करूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 डेज़ का यही मेरा स्ट्रेटजी रहेगा कि मैं सारे टॉपिक्स को पहले कवर करूँ, सारा सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ जो रहेगा उसमें ओनली रिवीजन होना चाहिए। अगर अभी भी अगर 10 दिन में मैं टॉपिक नहीं कवर्ड हो पाया है तो बाकी के 10 दिन में भी छूटे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ साथ में रिवीजन करते चलेंगे, बैक वाले को रिवीजन करते चलेंगे, और प्रैक्टिस सेट भी लास्ट समय में प्रैक्टिस सेट बनाएंगे ताकि मैं पता चले कि उतने टाइम फ्रेम में मैं कंप्लीट तो कर पा रही हूँ ना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इसके साथ ही मैं बोलूँगी कि सभी स्टूडेंट्स को अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और उसको ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन यह मेरा पर्सनल ऐसा बिलीफ है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, ठीक है। अगर आप लोग को फॉलो करना है तो आप करिए, ज़रूर हमारा कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन में, ठीक है। तो अभी मैं सिलेबस का एक ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहूँगी, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं पूरे सिलेबस को। तो देखिए सिलेबस हमारा कुछ इस तरह से है, 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आता है जनरल जीएस, पेपर 2 में आता है झारखंड का जीएस। तो पेपर 2 पहले देखते हैं। पेपर 2 में देखिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 100 क्वेश्चंस टोटल रहेंगे, ठीक है। तो झारखंड जीएस, इससे पहला हमारा टॉपिक है झारखंड का इतिहास, जिससे कि 8 क्वेश्चंस आएंगे 16 मार्क्स का। इसमें आपका अलग अलग शासन व्यवस्था पढ़ना है, मुंडा शासन से 1 क्वेश्चन, नागवंशी, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर और जातीय पंचायत। इससे जातीय पंचायत से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। नंबर 2 टॉपिक है हमारा झारखंड आंदोलन। इसमें झारखंड आंदोलन में झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति आंदोलन व राज्य गठन, झारखंड आंदोलन और राज्य गठन। तो इससे 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैंने अभी 2-3 दिन पहले झारखंड आंदोलन और राज्य गठन को मैंने कवर किया है, तो आप लोग उस वाले वीडियो का भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें भी मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आगे फिर 3rd टॉपिक है झारखंड की विशिष्ट पहचान। इससे 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, जिसमें कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति और जो झारखंड का जो भी विशिष्ट पहचान है उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 1-1 मार्क्स, 1-1 क्वेश्चंस रहेगा। फिर 4th टॉपिक है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, ये सब। इससे 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ से वो देख लेते हैं। तो लोक साहित्य से 1 क्वेश्चन, पारंपरिक कला लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन, लोक संगीत एवं वाद्य से 1 क्वेश्चन, और दर्शनीय स्थल जो भी है झारखंड में उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, और फिर आदिवासी, जाति, प्रजाति, विशेषता,
इससे एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फिफ्थ हमारा टॉपिक है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार। तो जो भी यहाँ के राइटर रहे हैं और उनका जो भी लेख रहा है उससे देखिए 5 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर का। तो ये हम लोग, ये एक टॉपिक है जिसको कि शायद अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कवर नहीं किया होगा, तो ये एक टॉपिक को उठाइए, आप लोग कॉपी में लिखिए या फिर बुक में ही टिक कर करके इस वाले टॉपिक को कवर कर लीजिए। सारे टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करना है। फिर सिक्स्थ, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 क्वेश्चंस, झारखंड के खेलकूद 5 क्वेश्चंस, झारखंड के भूमि संबंधी अधिकार देख लीजिए, इसमें आपका CNT से 5 क्वेश्चन, SPT से 5 क्वेश्चन और अन्य राज्य पूरक अधिनियम, इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये हो गया। अभी आगे का टॉपिक है जिससे देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो यह क्या है, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का जो भी इतिहास रहा है उससे क्वेश्चन आएंगे। मतलब भूगोल है यह जो टॉपिक है, यह क्या है, भूगोल, भूगोल का ये टॉपिक है, सॉरी भूगोल ये टॉपिक है। तो जियोग्राफी, ठीक है, तो इससे देखिए जंगल, नदी, पहाड़, खान खनिज, ये सारे चीज़ें पढ़ने हैं, 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आगे फिर झारखंड की जो औद्योगिक नीति है उससे 6 क्वेश्चंस, फिर झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान, औद्योगिक विकास, इससे 5 क्वेश्चंस, झारखंड की प्रमुख योजनाएं 5 क्वेश्चंस, झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु 5 क्वेश्चंस, झारखंड राज्य के पर्यावरण 7 क्वेश्चंस, झारखंड आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन, ठीक है, फिर झारखंड करंट अफेयर्स 7 क्वेश्चंस। तो ये हो गए। पेपर 1 में आते हैं अब हम लोग। पेपर 1 यानी जनरल GS, इसमें क्या क्या है, तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से 5, मिडिवल से 5 और मॉडर्न से 5, ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे। फिर जियोग्राफी में 10 है, जियोग्राफी में 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें भी आपका जनरल जियोग्राफी 3, फिजिकल जियोग्राफी 3, इकोनॉमिकल जियोग्राफी 3 और सोशल और डेमोग्राफी, इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पॉलिटी से आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा, पॉलिटी से, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चंस, ठीक है। इकोनॉमिक्स में देखिए इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन 2 क्वेश्चंस, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन। फिर एक विविध वाला टॉपिक रहेगा, विविध मतलब मिसेलेनियस से 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या बहुत सारे टॉपिक्स है जैसे ह्यूमन राइट्स, बायोडाइवर्सिटी, खेल कूद, अवार्ड, गरीबी बेरोजगारी, आपदा प्रबंधन, ठीक है, एट्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। करंट अफेयर्स देखिए, तो करंट अफेयर्स आपको पूरे ईयर का 2020 से करना है, अभी तक का करंट अफेयर्स ये करना होगा। तो यह हमारा ये जो पूरा एक सिलेबस है, सिलेबस को मैंने आपके सामने रखा, आप लोग मेरे यहाँ पर से भी आप सिलेबस नोट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो आप खुद से रिसर्च करके खुद लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं या सिलेबस आप खरीद लीजिए, जो भी कीजिए, बट सिलेबस रख लीजिए और टॉपिक वाइज पढ़िए, मेरा यही सजेशन रहेगा। सजेशन नहीं, बस मेरा ये एक स्ट्रेटजी है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको खुद स्ट्रेटजी बना करके फॉलो करना है, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।